हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुबारक और आप देख रहे हैं द लल्लनटॉप डॉट कॉम। हेमू अधिकारी नहीं रहे, वरिष्ठ एक्टर, नाट्यकर्मी, डायरेक्टर, साइंटिस्ट और न जाने क्या क्या थे वो। हेमू अधिकारी का ज़्यादातर काम मराठी में रहा है। यह हकीकत है कि हिंदी पट्टी के ज़्यादातर लोगों को सिर्फ उनके नाम से उनकी याद नहीं आने वाली, तो उनके लिए एक रेफरेंस दे देते हैं। राजकुमार हिरानी की लगे रहो मुन्ना भाई तो देखी होगी सबने, उसका वो सीन याद कीजिए। एक रिटायर्ड टीचर अपनी पेंशन पाने के लिए परेशान हैं, बार बार सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, बावजूद इसके उनकी फाइल आगे बढ़ ही नहीं रही। फिर वो मुन्ना की सलाह लेते हैं। मुन्ना उन्हें सलाह देता है कि आप गांधीगिरी आजमाइए। गांधीगिरी पे अमल करते हुए एक एक करके वो अपने सारे कपड़े उस सरकारी बाबू के सामने उतारते जाते हैं। उनके इस कदम से बाबू आतंकित हो जाता है, तुरंत उनकी फाइल पर साइन कर देता है। उस रिटायर्ड टीचर की भूमिका जिन्होंने की थी वो ही थे हेमू अधिकारी। हेमू अधिकारी की 81 साल की उम्र में डेथ हो गई है। वो पिछले 1.5 साल से फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे थे। वो मराठी थिएटर की बेहद प्रतिष्ठित हस्ती थे। उनके नाम तकरीबन 45 मराठी नाटक, 16 मराठी और हिंदी की फिल्में और करीब 7 टीवी सीरियल हैं। हिंदी की जिन फिल्मों में वो नज़र आए वो थी वजूद, डिटेक्टिव नानी, लगे रहो मुन्ना भाई और इक्का दुक्का एक और। मराठी के कई प्ले जैसे संध्या छाया, ढोल ताशे, हसवा फसवी में उनकी मौजूदगी रही। खास बात यह कि हेमू अधिकारी मूल रूप से एक साइंटिस्ट थे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से उन्होंने डिग्री हासिल की थी। कॉलेज के दिनों से ही उन्हें एक्टिंग से लगाव हो गया था, जो आगे चढ़कर इश्क में तब्दील हो गया। थिएटर की तरफ जो कदम बढ़े तो फिर वही जीवन हो गया। उन्होंने बहुरूपी नाम से एक नाट्य संस्था की स्थापना भी की। इस संस्था ने बहुत से प्ले पेश किए, इनमें अमोल पालेकर का बहुचर्चित जुलूस भी शामिल था। हेमू अधिकारी का डायरेक्शन में भी इंटरेस्ट था। अपने वैज्ञानिक बैकग्राउंड का उन्होंने नाटक बनाते वक्त भी इस्तेमाल किया। हमेशा विज्ञान और नाटक के मेल से कुछ पेश करने की उनकी कोशिश रही। यही वजह थी कि उनके बनाए कई नाटकों के कथानक में साइंस की मौजूदगी रही। उन्हें हिरोशिमा परमाणु हमले पर भी एक नाटक करना था, जो कि किसी वजह से मुमकिन न हो सका। ये तो रही सिनेमा थिएटर की बात। इसके अलावा सामाजिक जीवन में भी उन्होंने खुद को साबित किया। 70 के दशक में महाराष्ट्र में लोक विज्ञान आंदोलन हुआ था। इसमें आम जनमानस तक विज्ञान की समझ पहुंचाने का काम बड़े पैमाने पर हुआ। हेमू अधिकारी ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस आंदोलन को दिया। जागरूकता के लिए किए जाने वाले कई नुक्कड़ नाटकों में शिरकत की। इसके अलावा उन्होंने परमाणु हथियारों के खिलाफ हुए आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था नाट्य विज्ञान समाजेन। इसमें उन्होंने अपने जीवन की कुछ चुनिंदा घटनाओं का जिक्र किया है। साथ ही बड़ी ही विनम्रता से ये घोषणा भी की है कि मैं आत्मकथा लिखने लायक बड़ा आदमी नहीं हूँ। मराठी सिनेमा इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने उनके जाने पर दुख जाहिर किया है। हिंदी पाठकों के लिए हम उनके एक और सीन का जिक्र करना चाहेंगे। नाना पाटेकर की एक फिल्म आई थी वजूद। इस फिल्म में हेमू अधिकारी ने नाना के पिता का किरदार निभाया था। इस फिल्म का एक सीन है। सीन क्या है बल्कि पूरी जिंदगी टाइपराइटर में खर्च हुए एक पिता और उसके नालायक नाकामयाब बेटे के बीच एक संवाद है। अपने बेटे से दुनिया जहान की शिकायतें हैं इस बाप को। एक तरफ वो गुस्से में टाइप करता जा रहा है, दूसरी तरफ लगातार बेटे की बेरोजगारी और नाफरमानी पर टिप्पणियां करता जा रहा है, अपने जीवन भर के संघर्ष की दुहाई देता रहता है। उधर बेटा तमाम बहस के बीच घर का रोजमर्रा का काम करता रहता है, झाड़ू मार रहा है, प्याज काट रहा है, बाप से तर्क वितर्क भी कर रहा है। ये पूरा सीन इतना सहज बन पड़ा है कि लगता ही नहीं किसी फिल्म में चल रहा है, ये तो घर घर की कहानी लगती है। शिकायती बाप और बागी बेटे का ये कॉम्बिनेशन आपने अपने पड़ोस में कहीं देखा हो सकता है, या हो सकता है ये आपके खुद के घर में मौजूद हो। नाना और हेमू अधिकारी ने मिलकर इस एक सीन को लगभग हकीकत सा बना दिया। अभिनय को ही जीवन मानने वाले हेमू अधिकारी अब नहीं रहे, लेकिन उनका काम हमेशा रहेगा।